क्लो 3D में डिजाइनिंग करने में बहुत मजा आता है ना? पर क्या कभी आपने एम्ब्रॉयडरी ऐड करके उसमें एम्फेसिस डालने की कोशिश की है? क्या कहा? आपको नहीं पता कि क्लो 3D में एम्ब्रॉयडरी कैसे डाली जाती है? हेलो ऑल, वेलकम टू अटायरेशन। आज हम सभी कस्टम एम्ब्रॉयडरी कैसे क्रिएट की जा सकती है वो सीखेंगे, और वो भी डायरेक्टली क्लो में। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। बता दें कि आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की मदद से भी खुद का ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। इस पे एक डिटेल क्लास ली गई थी, उसका लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ टेक्सचर और ग्राफिक को कैसे यूज और एडिट किया जाता है वो अगली वीडियो में दिया गया है। इन दोनों वीडियो से आप खुद का ग्राफिक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो पे वापस चलते हैं। तो मैंने एक बार ये बो क्रिएट किया था, ये बो कैसे बनाया जाएगा इससे जानने के लिए आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो इस बो के लिए मैंने एक एम्ब्रॉयडरी सिलेक्ट करी है, और वो है ये वाली। सिलेक्शन तो हो चुका है, अब हम इसे अपने गार्मेंट पे एज ए ग्राफिक ऐड कर लेंगे, जिससे कि हम इसमें आगे काम कर सकें। मैं पहले एक छोटा पोर्शन आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी, और फिर उसके बाद आप बाकी का पोर्शन हमारी आगे की वीडियो में देख सकते हैं। ग्राफिक हमारी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका है, तो हम पहले इसकी एक पैटल बनाएंगे इंटरनल पॉलीगन का यूज करते हुए। मैंने आपको पहले भी बताया है, पर आज फिर से बता दूं कि हर वीडियो से रिलेटेड या कहूँ कनेक्टेड जितनी भी वीडियोस होती हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें पिंग कर देती हूँ, तो आप वहाँ से उनकी जानकारी ले सकते हैं। हमारी पैटल की हर लाइन के लिए छोटी छोटी इंटरनल पॉलीगन लाइन्स हमने क्रिएट कर ली हैं, और अब हम इसकी लीफ क्रिएट करते हैं। एम्ब्रॉयडरी ऐड करना एक बहुत ही डिटेल का काम होता है, तो इसके लिए आपको खुद ही ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी एम्ब्रॉयडरी में किस तरीके की लाइन्स या कहीं शेप्स यूज होंगी, जिससे आपको वही सिमिलर लुक मिलेगी। इसके बाद फ्लावर की बीच में बनी हुई फ्रेंच नॉट के लिए हम एलिप्स क्रिएट करेंगे, और इससे जुड़े हुए बाकी के चेंजेस हम बाद में कर लेंगे। इसके बाद अपने ग्राफिक की ओपेसिटी जरा कम कर लें, ताकि हमें हमारी इंटरनल लाइंस की शेप दिख सके, और साथ ही साथ इस पे जो हम स्टिचेस ऐड करने वाले हैं वो भी। फिलहाल के लिए हम हर शेप को सेम टॉप स्टिच अलॉट करेंगे, बाकी के चेंजेस हम बाद में कर लेंगे जब हम इनमें कलर्स ऐड करेंगे। इस सेम ग्राफिक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप हमारे साथ साथ यही सेम एम्ब्रॉयडरी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। अब जरा हम अपने टॉप स्टिच की सेटिंग चेंज करें, जिससे हमें हमारी स्क्रीन पे वो दिखाई देने लगे। तो सबसे पहले मैं चेंज कर रही हूँ इसकी थिकनेस, ताकि हमारा जो नॉर्मल थ्रेड है वो एक एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लगे, और इसके बाद हम इसकी SPI मतलब लेंथ चेंज करेंगे, जिससे एक लंबे स्टिच की लुक क्रिएट हो सके। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यूज कभी भी फिक्स नहीं होती, ये वैल्यूज हर एम्ब्रॉयडरी के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से काम करेंगी, और साथ ही उसके साइज के अकॉर्डिंग भी ये वैल्यूज चेंज होती हैं। तो आपको खुद देखना होगा कि आपके सैंपल के लिए कौन सी वैल्यू सही है। हमारे एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड हमें स्क्रीन पे तो दिखने लग गए हैं, पर अभी तक हमें इसकी प्रॉपर शेप नहीं मिली है। ये अपनी एक्चुअल पोजीशन से काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड लग रहे हैं, इसलिए हम इसका ऑफसेट सही कर लेते हैं। मतलब इसका ऑफसेट हम बिल्कुल जीरो कर लेंगे, ताकि इसके हर थ्रेड अपनी एक्चुअल पोजिशन पे ही हों। अब हमारी शेप काफी सटल है, तो हम पेटल्स पे भी सेम स्टिचेस अप्लाई कर लेते हैं। हमारी शेप्स में दो पोर्शन तो हमें दिखने लग गए हैं, पर अभी भी हमारे फ्रेंच नॉट हमें विजिबल नहीं है। इसकी लेंथ चेंज करने के बाद भी हमें कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप है। तो इन्हें अपने टॉप स्टिच एडिट टूल से सिलेक्ट करें, और फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें कॉर्नर वाली स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में जाइए, और यहाँ पे कर्व वाले ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, और साथ ही इसकी लेंथ भी हम दो कर लेंगे,
जिससे हमें हमारे स्टिचेस प्रॉपर दिखाई दें। इसके बाद जरूरत है हमारे SPI को चेंज करने की, जिससे हमारा हर फ्रेंच नॉट विजिबल हो जाए। सारे एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स बन चुके हैं, तो अब हम इनको सेपरेट करके इन पे कलर्स अलॉट कर लेते हैं। ग्रीन पत्तियों के लिए, लाल फूल के लिए और थोड़ा येलोइश हमारी फ्रेंच नॉट के लिए। बेसिक शेप तो बन गई है, तो ये है हमारी फाइनल लुक। चिंता मत कीजिए, इसके बाद हमारी टाइमलेस वीडियो शुरू होती है, तो अगर आपको कुछ देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ और लोगों के साथ इसे शेयर भी करें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, उसका लिंक आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहा होगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पे जरूर आइएगा, जिससे आप अपने सहपाठियों से बात कर सकें। और मैं चाहूंगी कि आप वहाँ पे अपने खुद के क्रिएट किए हुए एम्ब्रॉयडरी सैंपल्स आपस में शेयर करें, जिससे हम सभी देख सकें और इंस्पायर हो सके कि आपने क्या क्रिएट किया है। कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।